कुछ लोग सनातन के संतान बनते हैं लेकिन सनातन के संस्कार को अपना नहीं पाते। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना, आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट, अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कहीं नहीं है कि अपने धर्म का अपमान करें, अपने लोगों को हतोत्साहित डिमोरलाइज करें। ये मानसिकता कभी किसी को लाभ नहीं देता और तुष्टिकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी। देखिए एक 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 उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है, जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं। और हम तो IQ टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। इतनी प्रमुखता से ये मुद्दे की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गरीबी की बात नहीं करते, शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करते, लेकिन धर्म की जहां तक बात आती है कूद गए हैं सब। लेकिन इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। और उसी तरीके से लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नेता जितने हैं या जो लोग कमेंट कर रहे हैं या जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं। उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है, आप ही बताइए। पहले लाइन में ही 8 तारीख लिखा है दिनांक। ये तो हमने टेस्ट लिया जिसमें भाजपा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है।